व्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगा कि दुबई में फ्रेश आपको मीट, फिश और देसी अंडे, खालिस दूध, मक्खन और जो भी देसी रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको यहाँ मिलेंगी। दुबई में गर्मी होती है कि यहाँ से आपके पैसे डालोगे और स्टार प्रेस करोगे और यहाँ पर आपके नज़र आ जाएगा कि आपने 10 दिरहम इसकी प्राइस है। तो यहाँ से जूस इसका स्क्विट होके यहाँ से अंदर से आके और इस गिलास में फिल होके आपको यहाँ पर आएगा। अंकल हमारे साथ हैं। अंकल आपको बता सकते हैं कि अंकल यहाँ पर कौन कौन सी आपके पास फिश होती हैं? बॉम्बे डक। ओके, ये मांस बोलते हैं, मांस। मांस, अच्छा, ये मसल्स हैं यानी किसके? ओके, ये शार्क है। शार्क, ये सार्डिन है। सार्डिन, ठीक है। झींगा, एक कश्ती। क्या है? कश्ती। ओके ओके, ये भी शार्क है। ये भी शार्क है। ये बेल्टी फिश है। बिल्डी फिश है। 160 दिरहम। ओके, तो हम दिस पीस हाउ मच विल बी? लाइक लेस देन किलो, लाइक लेस देन किलो, लेस देन 2 किलो 400 ग्राम। हां, ओके। हमारे साथ इस वक्त उमर भाई हैं, ये देसी चीज़ों का कारोबार करते हैं जिसमें अंडे हो गए, दही हो गई, योगर्ट है आपके पास, दूध होता है और मक्खन है, मक्खन होता है और क्या होता है आपके पास? अंडा है, देसी अंडा, देसी अंडा होता है और देसी घी है। और ये कौन सा अंडा है? ये कोयल का अंडा है। ये कोयल का अंडा होता है इनके पास। ये क्या है? ये मक्खन है। मक्खन, ये प्योर मक्खन है। ये प्योर मक्खन है, ये घर में बनाते हैं। घर पे बनाते हैं, गाय वाला है। और कौन बनाता है घर में? ये बुड्ढी लोग, इधर से लोकल है। लोकल, जो जो लोकल लोग होते हैं यहाँ पर वो बनाते हैं। सब प्योर मक्खन मिल रहा है आपको? प्योर, कुछ मिक्स नहीं होता इसमें। ठीक है, ट्राई कर सकता हूँ मैं थोड़ा? मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगर ये अच्छा है तो आप दे सकते हैं। ज़बरदस्त, बिल्कुल प्योर है। हाँ, अच्छा, इसके अलावा क्या होता है आपके पास? प्योर दही है। ये प्योर दूध की दही है। प्योर दूध का दही है। लस खट्टा वाला, खट्टा वाला। ये दुकान में बाहर और नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये भी घर में बनाते हैं, घर पे मिलता है ये भी। ठीक है, और क्या आपको पसंद था? ये प्योर घी है। ठीक है, ये केरला में बनाते, घर में बनाते, गाय के। केरला में बनता है, इंडिया से आता है ये, प्योर होता है ये। तो ये यहाँ नहीं बनता, यही इधर नहीं बनता, इधर नहीं बनता। बाकी जो आपने दोनों चीज़ें दिखाई ये यहाँ बनती हैं। ठीक है, अरब लोग नहीं लेते, खाली इंडियन, पाकिस्तान, देसी लोग लेता है। देसी लोग लेते हैं। अच्छा, ये प्योर है, इसमें कुछ मिक्स नहीं होता? कुछ मिक्स नहीं होता, लेकिन इधर वाला, इधर का ये है। हाँ, इसमें मसाला मिक्स करते हैं, उससे मसाला वगैरह कुछ तो कुछ मिक्स करता है। ये प्योर गाय का। अच्छा, तेल, कोकोनट ऑयल। ओके, ये भी केरला से आता है, इंडिया से आता है ये। तो ये जो है इसका, ये गर्म करेगा पानी के जैसे आएगा। अच्छा, ये भी ठंडा में रखा है। तो ये किस किस चीज़ के लिए ज़्यादा यूज होता है? बाल में लगाने का। ठीक है, बहुत अच्छा, टेस्टी। अच्छा, ठीक है, ये भी असली वाले, इसमें मिक्स नहीं है। मिक्स नहीं है ये। और ये आपके पास हनी? ये वाइट हनी। वाइट हनी, ठीक है।
ये रशिया से लेके आते हैं, ये रशियन लाता है, ये यहाँ का नहीं होता। ये किस तरह है? ये आएगा 120 है। 120 का कितना, हाफ के जी है? 750 है, ठीक है। और ये प्योर है, इसमें कोई मिक्स मिलावट नहीं है, ठीक है। अंग्रेज़ ज़्यादा लोग लेता है ये, ठीक है। हाँ सही है। ठीक है, ये तुर्की से लेके आते, तुर्की से आता है ये, ये भी प्योर होता है, इसमें भी कोई मिलावट नहीं होती, ठीक है। और क्या आपको? ये दूध, ठीक है, ये गाय का दूध होता है, गाय का दूध, ये भी इधर लोकल इधर से लेके आते। ये एम क्या लिखा हुआ है इस पे? एम के मिल्क का, मिल्क लिखा हुआ है। ऐसा बोलती है, लस्सी है, लस्सी है, तो आपने ये अपने लिए एम लिखा हुआ है। अच्छा, और ये प्योर दूध है, यहाँ यहाँ पर ही है। हाँ हाँ, तो वो मलाई जम जाएगा, मलाई वाला मलाई आएगा, ये प्योर बिल्कुल प्योर है। ये कितने पर के जी है? डेढ़ लीटर 12 दरम का है। अच्छा, तो ये डेढ़ लीटर है पूरा, वो लेके जाता है, प्योर है ये। इसका एक्सपायर कितने का हो जाएगा, कब तक एक्सपायर? 4-5 दिन चलेगा। 4-5 दिन चलेगा, ये अभी फ्रेश है ये। सुबह आया है, सुबह आता है और शाम को ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसमें दही बनाते, दही बनाते, ये दूध में दही बनाते। अच्छा, अगर ये वही प्योर दूध है जो हमारे घरों में गांव में मिलता था, ये वही दूध, ठीक है, ज़बरदस्त अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा क्या करो? लस्सी है, लस्सी भी प्योर दूध का ही है। ये भी प्योर दूध, ये लबन, दिस इज लबन एंड दैट इज मिल्क, दैट इज मिल्क एंड दैट इज लबन, प्योर लबन। कैमल मिल्क, ओके, ये भी प्योर यहाँ का ही, कोई मिक्स नहीं होता इसमें। ये कितना है पर के जी? ये 1 किलो का 20 रुपए। ये 1 kg है, 1 लीटर, 1 लीटर है, 1 लीटर है, 20 दरम। और ये जो आपके पास ये वाला पड़ा हुआ है, ये लस्सी कितने का है? ये 7 दरम, 7 दरम, 7 दरम, 1.5 लीटर, ओके। बकरी का दूध, ए लिखा हुआ है, ठीक है। ए का मतलब? ए का मतलब मेरा लैंग्वेज है। आपका लैंग्वेज? मलबारी लैंग्वेज। क्या कहते हैं? आड़ बोलता है इसको, इसलिए ए लिखा। अच्छा, बकरी का दूध है, 1 लीटर का 25 दरम, 1 लीटर का 25 दरम, प्योर ही प्योर होता ही है, खालिस दूध होता ही है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई मिलावट नहीं, प्लेन वाला है। अच्छा, कोई मिक्स नहीं है, ठीक है। और ये 25 दरम वाले बोला, ये 25 दरम का है, ठीक है। और क्या आपके पास? और अंडा देख, अंडा कौन सा है? ऑस्ट्रिच का, ये ऑस्ट्रिच, ये ऑस्ट्रिच का अंडा है। और कितने का ये? ये अभी देते 50 दरम, 50 दरम है। तो अभी इसका सीजन है, पहले ये 70 में दिया, 80 में दिया पहले, हाँ, 1-2 महीने के पहले ये 80 दरम, हाँ, अभी इसका सीजन है, सीजन नहीं है, हाँ, 50 दरम का है, वरना ये नॉन सीजन में 80 दरम का चला जाता है। ये एक दाना क्या? एक दाने में 25 ऑमलेट बनाने के सकते, 2500 25 ऑमलेट बना सकते हैं आप, 10 आदमी बनते एक दाने। हो, इतना ये स्वान का अंडा, स्वान का अंडा, स्वान क्या? स्वान ये बत्तख का जैसे पानी में घूमता। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी खाता है। अच्छा, तो ये कितने का है? ये 15 दरम, ये 15 दरम का है। ये इमू का अंडा है। किसका? इमू, ठीक है, इमू का अंडा है, ये भी इधर से लोकल वाला है, अभी सीजन है, ये साल में 3 महीने मिलेगा। साल में 3 महीना, वो कौन सा महीना? तो ये अभी है मार्च अप्रैल मई में होता है ये, बाकी किसी महीने में नहीं होता ये, ठीक है। तो ये क्या? टर्की है, टर्की का, ठीक है, टर्की का अंडा है ये, इसमें व्हाइट ज्यादा है, व्हाइट ज्यादा होता है, येलो छोटा है,
इसका अंदर येलो छोटा होता है, छोटा है। ये टर्की का ऐसे ही होता है, टर्की का ऐसे होता है। उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल कमती है, कोलेस्ट्रॉल कमती होता है, कोलेस्ट्रॉल कमती होता है। ये कितने का अंडा है? ये एक दाना दो दरम, एक दाना दो दरम, ये एक दाना दो दरम का। ये अच्छा, तो ये बत्तख का अंडा है, बत्तख का अंडा है, ठीक है। इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बत्तख का अंडा ऐसे आप खा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये अच्छा, ये कितने का है? एक दाना दो दरम, ये भी एक दाना का दो दरम, एक दाना का दो दरम, ठीक है। ये मुर्गी का, देसी मुर्गी का अंडा है, ये देसी मुर्गी का अंडा है। ये एक दाना एक दरम, एक दाना एक दरम का है। ये पूरा देसी अंडा, देसी है, पक्का देसी वाला, पक्का देसी अंडा। कलर वाला मुर्गी है ना, हाँ, ब्लैक ब्लैक ऐसा वाला मुर्गी का अंडा है, बिल्कुल देसी, प्योर देसी अंडा होता है, प्योर देसी अंडा, ठीक है। और दूसरा आपने क्या दिखाया? और यहाँ पर देसी चीजें मिलती है आपको, देसी चीजें, बिल्कुल प्योर देसी चीजें। और इसमें आपने हनी है, हनी, हनी आपको प्योर देसी मिलेगा, ये लोकल वाला हनी, लोकल वाला हनी यहाँ का है, ये जो जहाँ पे दरख्तों में होता है ये वो लोकल हनी है। वो जो पिछले हमने दिखाया था, एक आपको रशियन हनी दिखाया था हमने, वो वहाँ रशियन हनी है। और ये जो यमन का हनी, ये यमनी हनी है, यमनी है, ऐसा वाला डब्बे में आता है, ये यमन से आता है यहाँ पर, ये भी प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई शुगर मिक्स नहीं होता, नहीं नहीं कुछ नहीं। और आपने ये चेक एंड बैलेंस होता है दुबई गवर्नमेंट करती है इसका, अगर कोई ये म्युनिसिपैलिटी चेक इधर है, म्युनिसिपैलिटी ऑफिस है अंदर, हाँ, वो रोज आके चेक करते हैं, रोज आके चेक करता है, अगर किसी चीज मिलावट हो गई तो आपको फाइन मारेगा। अच्छा, अंडा भी देसी होता है, प्योर देसी होता है, कोई मिक्स नहीं होता उसमें, कुछ नहीं होता, ठीक है। और तो देख, दुबई गवर्नमेंट यहाँ पर चेक एंड बैलेंस करती है हर चीज का, अगर कोई चीज मिलावट हो गई तो इनके लिए पनिशमेंट है, यानी कि वो फाइन वगैरह डालते हैं। ये अरबी घी है, अरबी घी है, अरबी घी है, इसमें भी कोई मिलावट नहीं है, नहीं, इसमें हमारा केरला वाला घी है, तो इससे भी फर्क है, इसमें मसाला मिक्स। अच्छा, वो जो आपको केरला वाला, केरला वाला जो इंडिया का घी है वो प्योर है, और इसमें ये अरबी घी है, ये मिक्स है, इसमें मिलावट है, मतलब कि वो हानिकारक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें देसी होती हैं। स्मेल देखो तो, हाँ, थोड़ा खट्टा स्मेल आएगा यहाँ पर, जो मैंने चेक किया, वो जो चेक किया मैंने बिल्कुल प्योर था। ये रेड चिल्ली है, रेड चिल्ली मसाले, ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, इसमें ये इधर का सीधा दुकान वाला नहीं है, दुकान वाला नहीं है, और प्योर ऑर्गेनिक है, ठीक है, ठीक है। ये कहाँ से आता है? ये इधर लोकल है, लोकल आता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा? मिक्स नहीं है, बिल्कुल मिक्स नहीं है। अच्छा अच्छा, इस अंडे के बारे में नहीं बताया आपने, ये कोयल का अंडा है, छोटा वाला कोयल का अंडा है, ये बहुत कोलेस्ट्रॉल वाला, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला, कोलेस्ट्रॉल वाला होता है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, जिसको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा चाहिए होगा वो ये अंडा खाएगा। ये पूरा अंडा से ये अच्छा, बहुत फायदा वाला है, फायदा वाला होता है, अच्छा। इसमें छोटा है लेकिन ये बहुत ताकत होती है, इसमें ताकत ज्यादा होती है, ये गर्म है, ज्यादा बहुत गर्म होता है, ये गर्म होता है, ठीक है। ये ज्यादा खाएगा, ज्यादा नहीं खाने, ज्यादा नहीं खाने का, चलो कंट्रोल में रख के खाने का, 6-5 दाना का, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है आपके पास? ये वाला, ये वही घी है वगैरह, ये पानी गैस ट्रबल के लिए, गैस ट्रबल का तकलीफ है, गैस का जो तकलीफ होता है उसके लिए ये जरूरी होता है। ये कितने का है? ये 10 दरम का होता है, ओमान से आता है, ओमान से आता है, ओमान से। और ये आप पीते किस तरह से? पानी में मिक्स करके पीना है, कैसे पीना है? नहीं नहीं, ऐसा ऐसे डायरेक्टली, इसमें कुछ कभी मुश्किल है, थोड़ा सा निकाल के अच्छा पी लो, मिक्स नहीं करना उसका, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर आपके पास? ये नींबू का पानी, ठीक है, ये विनेगर का बदले यूज कर सकता है आप, अचार बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए बनाएगा, और सलाद है ना, सलाद। ये प्योर लेमन है, लेमन पानी है, हाँ, जो बाहर जो लेमन मिलता है वो नहीं है, नहीं, ये लेमन। अच्छा, तो ये प्योर लेमन है, प्योर लेमन से बनाते हैं, ठीक है। सलाद में डालेगा और अचार, ये देखिए फील भी हो रहा है कि ये बिल्कुल प्योर चीज है, इसमें कोई ऐसी मिलावट नजर नहीं आ रही है। बाहर आप इसको ज्यादा, ये ज्यादा इस तरह क्यों लग रहा है कि इसमें कुछ से बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं अंदर? ये ज्यादा दिन चलेगा, अच्छा होता है, अच्छा होता है ये, ठीक है। और क्या है आपको?
और ये क्या है? ये सूखा नींबू है। सूखा नींबू ठीक है। अच्छा अरबी को लिख देता है, ये अरबी खाने में पड़ता है ज़रा। ये तोड़ की। अच्छा और ये जो आपने बनाया ये इसका कलर वाला ब्लैक नींबू है। ब्लैक नींबू ठीक है। तो ये नाम है इसका, ये उमर भाई हैं हमारे। तो आप इनके पास आएंगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट भले ना दें आपको, लेकिन चीज़ आपको अच्छी देंगे।